उत्तर प्रदेश जिला हरदोई दाताराम पुत्र शिरदर ग्राम तकिया समाज निर थाना कोतवाली देहात जिला हरदोई का रहने वाला है। अपने परिवार सहित 6 वर्ष से दिल्ली में कार्य करता है। वह लड़का व बहू मजदूरी के लिए 20 दिन पहले चंडीगढ़ चले गए। मकान में ताला लगा हुआ था। घटना दिनांक 20/7/2024 को प्रार्थी के घर में ताला काट कर सारा सामान चोरी हो गया। मजदूर का भतीजा 21/7/2024 को घर देखने गया, तब प्रार्थी को उसी दिन फोन से बताया कि घर में कोई सामान शेष नहीं है, ताले टूटे पड़े हैं और दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई है। मजदूर सोने की अंगूठी, जेंडर लगभग 9,000 की लेडीज पेंडिंग, 11,000 सोने व पायल, 1 जोड़ी, 5,000 बच्चों का चांदी का सामान, 4,000 दो कंगन, नाक के फूल, लुटिया बटुआ आदि ले गया। व रंजीत द्वारा जानकारी दी गई थी कि राजकिशोर ने और दो अन्य लोगों ने मिलकर दाताराम के घर में चोरी की और पुलिस ने फोन द्वारा बुलाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुआवजा के अंतर्गत केस दर्ज किया। अभी तक की पूरी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसी को देखते हुए हरदोई की पुलिस कमजोर नजर आ रही है। मेरा सामान जितना था उतना सब चोरी में चला गया। मैं दिल्ली से जब आया हूँ, आके मैंने देखा हूँ सारे ताला मेरे तोड़ दिए हैं। और जब मैं पुलिस के पहुँचा हूँ, पुलिस ने मेरा आधा सामान लिखा, आधा मेरा छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में मैंने सोचा कि अब मेरा आधा सामान भाई क्यों छोड़ रहे हो। तो कितने की चोरी हुई आपकी? तो कम से कम मेरी 2 लाख के ऊपर हुई सर चोरी। सारा सामान चला गया, कुछ नहीं बचा मेरा है। पानी पीने का मेरा लोटा भी नहीं छोड़ा इसने, एक कटोरी भी नहीं चाहिए। दहेज का माल जितना था लड़के को उतना सब चला गया है। नाम क्या है? दाताराम जी मेरा नाम है। अरे जिन्होंने चोरी की हुए पता है कुछ आपको? वो सुगम एक है हाँ। और एक अंशुल जी है। अच्छा शुभम अंशुल, वो कहाँ के रहने वाले? तकिया के रहने वाले जी हैं। तकिया के रहने वाले? थाना क्या है उनका? उनका जातक वाली है। अच्छा आपका क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली? ये आपके हस्बैंड है? अच्छा क्या हुआ, कुछ पता हुआ आपको चोरी के विषय में? मेरे घर में क्या क्या चोरी हुआ? सारा सामान गया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा एक दिन को खाने को नहीं बचा। कितने का सामान चोरी हुआ? कम से कम 2 लाख के ऊपर। 2 लाख के ऊपर? हाँ। कुछ मिला नहीं घर में? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा कार्रवाई की आपने? करी थी। फिर 4 दिन मुझको थाने में बैठा रखा। 4 दिन? हाँ 4 दिन। फिर क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया, मेरा काम आगे भी नहीं बढ़ाया। अच्छा देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।